तो अभी और कितना देर चलेगा डीजे हमको भी नहीं पता। हम लोग अगर कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो हम लोग इस वॉकी टॉकी में बात करते हैं। सप्रेशन में दो जन इधर, दो जन ड्यूटी में हैं और हम लोग यहाँ डीजी में दो जन। अगर कुछ भी ज़रूरत होता है तो कभी कभी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल एंड गुड मॉर्निंग। क्योंकि अभी बज रहा है, आपको दिखा देता हूँ, देखिए अभी बज रहे हैं 12:48 हुआ है और अभी मैं नाइट ड्यूटी पर हूँ और सोने भी नहीं पा रहा हूँ क्योंकि डीजी चल रहा है दो ठो। क्योंकि दोनों डीजी चलता है तो हम लोग सो नहीं पाते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा साउंड होता है, इतना ज़्यादा साउंड पोल्यूशन होता है कि पूछो मत। अंदर में बैठने से हम लोग वार्म अप लगाते हैं, उसके बाद ही काम करते हैं। क्योंकि अभी थोड़ा सा बारिश और बिजली लाइटनिंग हो रहा था तो पावर चला गया है, तो सब्सटेशन से फ़ोन आया और बोले कि डीजी चलाना पड़ेगा, तो दोनों का नींद हराम। एक तो मेरा और मेरे साथ जो भैया है उनका भी। तो फिलहाल भैया अंदर में है, मैं बाहर में हूँ। सोचा वीडियो बना लेता हूँ क्योंकि रात को ड्यूटी करना यानी कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। क्योंकि अगर आप रात को सो जाओगे, अगर पावर चला गया और आप डीजी ऑन करने नहीं सके तो ऊपर से इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा, इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा कि आप झेलने नहीं सके। क्योंकि सर लोग बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, क्योंकि नाइट ड्यूटी में हो तो बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए ड्यूटी करने में। तो आज मेरा टाइम ख़राब है या अच्छा है ये तो मैं बोल नहीं सकता, बट क्या करें, ड्यूटी ड्यूटी है। तो ड्यूटी अभी चल रहा है तो मैं आपको चलिए अंदर जाता हूँ और कैसे क्या होता है, डीजी कैसे ऑन होता है मैं आपको दिखाता हूँ। जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वॉकी टॉकी में कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसमें वॉकी टॉकी में यहाँ पर क्या मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये फ्रीक्वेंसी 1 में सेट किया गया है। तो यहाँ ये वॉकी टॉकी और वहाँ जो सबस्टेशन में वॉकी टॉकी, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है 1:1। तो आप लोग देख सकते हैं, इसको बोलते हैं, ये टोटल जो दिख रहा है सिस्टम जो, इसको बोलते हैं ECP, इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल बोलते हैं। तो अभी दो डीजी चल रहा है, एक ये और ये ए, तो ये एक नंबर है और ये जो दिख रहा है ये दो नंबर है और ये तीन नंबर का, सब तीनों का पैनल अलग अलग है और मेन पैनल ये है। इसी से हम लोग आउटगोइंग पावर सबस्टेशन को देते हैं। और ये जो देख रहे हैं ये टोटल सिस्टम PCB बोलते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ये टोटल जो सिस्टम दिख रहा है इसको PCB बोलते हैं, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। मेन ब्रेकर ये है और इंडिविजुअली ब्रेकर बोलने से ये दो नंबर ब्रेकर है और ये एक नंबर ब्रेकर है और वो साइड में हो वो तीन नंबर ब्रेकर है और ये बीच में है, ये PT है और ये एक्सपायर के लिए रखा हुआ है। जो कुछ भी अगर ख़राब ये पैनल में से कुछ भी ख़राब हो जाते तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, ये एक्स्ट्रा रखा हुआ है ये पैनल। तो अंदर जाने से पहले हम लोग यार लगा रहे हैं कि अंदर से इतना ज़्यादा साउंड है, कितना साउंड होता है मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो आप लोग सुनेंगे। हम लोग DG का डेली लॉग बुक है, इसमें हम लोग DG चले या ना चले हम लोग डेली का यहाँ पर रिपोर्ट लिखते हैं। तो देखिए ये अभी स्टार्ट हुआ है, रात को 12:10 में स्टार्ट हुआ है, दो नंबर DG का है, अभी चल रहा है, अभी तक चल रहा है। सोचिए एक टॉकी में सबस्टेशन में पूछते हैं नॉर्मल पावर आया है कि नहीं, तो अभी तो DG का पावर है, नॉर्मल पावर आया है कि नहीं, चलो वॉकी टॉकी में पूछते हैं। हेलो सबस्टेशन 2, रेस्पॉन्ड नहीं किया है। नियर भाई नॉर्मल पावर आसी लगे? हाँ नॉर्मल पावर तो आती है ना, अरे चेंज ओवर करी बा। तो ठीक है, चुमो बोलते लोड तो कम हो चुका। हाँ लोड तो कम हो चुका, मूवी देखी ली। तेरे मो ये प्रोसेस तो कथा एक दिन मो जाऊँ ठीक है जी? ओहो ठीक है, तभी बात हो गया है। तो
नॉर्मल पावर आ गया है तो अभी चेंज ओवर होगा। अगर चेंज ओवर होगा तो किस्मत अच्छा है, सोने को मिलेगा। अगर चेंज ओवर नहीं हुआ तो सुबह 5 बजे तक ठंडन गोपाल ऐसे ही जागे रहो। आप लोग कभी रात 1-2 बजे तक ऐसे जागे हैं? अगर जागे हैं तो कैसा फील होता है कमेंट करके नीचे बता दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में खुला है, कमेंट कर दीजिएगा। अगर मेरे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा अच्छा लगेगा, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके चलिए फिर मैं ड्यूटी ख़त्म करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।